हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं वेज तहरी बनाने जा रही हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बनाने के तरीके को। तहरी बनाने के लिए मैंने लिया है जीरा, दालचीनी, 3 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी वाली काली इलायची और 2 तेज पत्ता, 1 लाल बड़े आकार का टमाटर और 1 बड़े आकार का आलू, 1 कप मटर, 1 बड़ी प्याली चावल, बासमती चावल, 1 बड़ा प्याज और 2 गाजर को मैंने कट करके रख लिया है। आप चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाते हैं। मैंने कुकर को गरम कर लिया है तेज फ्लेम में। अब इसमें रिफाइंड तेल डाल देती हूँ। 2 चम्मच मैंने रिफाइंड तेल लिया है। तेल गरम हो गया है। इसमें पहले डाल देती हूँ मैं तेज पत्ता, 3 लौंग, दालचीनी, 2 इलायची, जीरा और 2 हरी मिर्च मैंने धोकर बीच से कट करके रख दिया था, इसे भी मैं डाल देती हूँ। अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए प्याज। इसे 1 मिनट भून लेते हैं। प्याज हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें मैं आलू डाल दे रही हूँ। इसे भी 1-2 मिनट चला लेते हैं और साथ ही साथ डाल देते हैं टमाटर। गाजर अब इसे 2-3 मिनट भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। इसे भी मिक्स कर देते हैं और साथ ही साथ डाल देते हैं हल्दी पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, थोड़ी सी लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब गैस को कम करके 2-3 मिनट इसे पका लेते हैं। सब्जियों को मसाले के साथ पका लेते हैं। गैस के फ्लेम को मैं कम कर दे रही हूँ। सब्जियाँ भून चुकी है। अब इसमें डालते हैं मटर। ये फ्रोजन मटर है इसलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ और इसे भी सब्जियों के साथ 1 मिनट भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं शुद्ध घी। 1 चम्मच में यहाँ शुद्ध घी डाल दे रही हूँ। पहले घी डालने से जलने लगता है, धुआं उठने लगता है, इसलिए मैं सब्जियों को तेल में भूनी हूँ और अब डाल देती हूँ इसमें घी और साथ ही साथ बासमती राइस जिसे मैंने धोकर 1/2 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसे भी 1-1.5 मिनट साथ में चला लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर देते हैं। शुद्ध घी डालने से एक फायदा है कि चावल जो है वो चिपकेंगे नहीं और तहरी जो है वो स्वादिष्ट भी बनेंगे। अब इसमें मैं डालती हूँ पानी। तो ये 1/4 ग्लास चावल था तो मैं यहाँ 1/4 ग्लास पानी डालूंगी। अब गैस का फ्लेम जो है वो फुल पे कर देंगे और कुकर को मैं बंद कर देती हूँ और 1 सीटी आने के बाद हम फ्लेम को कम
कम कर देंगे और फिर 2 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे। तहरी के साथ खाने के लिए रायता बना रही हूँ प्याज और दही का। तो इसके लिए मैंने घर में बनाया हुआ दही लिया है करीब 200 ग्राम और 2 बड़े आकार के प्याज को मैं स्लाइस में काट ली हूँ बारीक। और इधर मैंने रखा है चाट मसाला और भुने हुए जीरे। तो पहले मैं दही को फेंट लेती हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। ये देखिए गाढ़ी दही होनी चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं चाट मसाला, साथ ही साथ जीरा, भुना हुआ जीरा, रेड तीखी मिर्ची स्वाद अनुसार डालिएगा, और चाहे तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और साथ ही साथ डालेंगे इसमें काला नमक। काला नमक मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, और सादा नमक मैं बाद में डालूँगी क्योंकि उसको अभी डालने से दही में पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालते हैं प्याज। तो मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो प्याज जितनी आवश्यकता है उतनी ही डालिए। अगर बाद में आपको लगे कि और होना चाहिए रायता तो फिर से डाल दीजिएगा। रायता बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसमें हरी धनिया डाल देते हैं जो और भी स्वाद को बढ़ा देगा। ये रायता आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पुलाव, बिरयानी, तहरी, ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए तहरी बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है, और चावल भी अच्छे से पक गए हैं, सब्जियां भी पक गई है। अब इसमें डाल देते हैं हरी धनिया जो मैंने काट कर रखा था। अब आइए प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितने अलग अलग खिले खिले से चावल हैं। अब एक कटोरी में रायता निकाल लेते हैं प्याज का, जिससे मैंने बनाकर रख लिया था, इसे भी डाल देते हैं, और साथ ही साथ थोड़े से कटे हुए प्याज। तहरी बनकर तैयार है। अगर मेरे बनाने की तरीके पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। ओके बाय।